संक्रमण के चलते भारत में पहले डॉक्टर की मौत हो गई है। यह मामला इंदौर का है। इंदौर में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए एक डॉक्टर ने भी आज दम तोड़ दिया। चिकित्सक की मौत से इंदौर में हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सक की मौत से प्रशासन भी पूरी तरह से हरकत में आ गया है। डॉक्टर का नाम शत्रुघ्न पंजवानी बताया जा रहा है। डॉक्टर की मौत के साथ इंदौर में मरने वालों की संख्या 22 पहुंच गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जाड़िया ने बताया कि 62 वर्षीय जनरल फिजिशियन ने एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। वह जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने कहा कि हमें संदेह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद दम तोड़ने वाले डॉक्टर कोविड-19 के किसी मरीज के इलाज के दौरान उसके संपर्क में आए होंगे। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने से किसी डॉक्टर की मौत का संभवतः यह पहला मामला है। स्वास्थ्य विभाग के CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनका उपचार पहले गोकुलदास में, उसके बाद CSCL में चल रहा था और फिर उन्हें अरविंदो में शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह इंदौर में अभी तक अधिकृत रूप से मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। डॉक्टर पंजवानी इंदौर के रूप राम नगर में रहते थे। मध्य प्रदेश में अब तक 347 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक 213 इंदौर में मिले हैं। इंदौर में अब तक कोविड-19 से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। ऐसी स्थिति बनी है, कितने न्यू पेशेंट्स आए, डेथ रेशो कहां तक पहुंचा है? देखिए, कल जो 40 मरीज नए आए हैं उसको मिलाकर अभी तक इंदौर जिले में 213 पॉजिटिव मरीज का फिगर पहुंच गया है और कल 6 मृत्यु के बाद जो मृत्यु का आंकड़ा था वो 21 तक पहुँच गया है। अभी सुबह सुबह एक दुखद घटना ये प्राप्त हुई है कि हमारे एक चिकित्सक साथी की मृत्यु अभी हो गई है, उन्हें अगर जोड़ लिया जाए तो 22 पहुँच जाएगी। सर, आज कहाँ कहाँ स्क्रीनिंग और होनी है? हमारी जो सर्वे की टीम हमने बनाई थी वो 3 जगह तक अभी प्रारंभ कर चुके थे, जिनमें से नयापुरा, डाटपट्टी बाखल और खजराना शामिल था। आज चंदन नगर एरिया में भी शुरुआत कर दी जाएगी। 60 टीमें हमने आज के लिए उतारी हैं और ये लोग निरंतर स्क्रीनिंग और सर्वे का काम करेंगे और इसके बाद देखेंगे उनमें कितने लोग पाए जाते हैं। उनमें अगर किसी को लक्षण पाए जाएंगे तो उनकी वहीं पे स्थल पे ही उनकी सैंपलिंग कर ली जाएगी। सर, टोटल क्वारंटाइन जोन अभी कितने हो गए हैं? कल तक जो क्वारंटाइन बनाए थे वो 60 लोग जगह पर हमने टोटल कंटेनमेंट एरिया को घोषित कर लिया गया है और करीब हमारे 20 से अधिक स्थानों पे हमने क्वारंटाइन किया हुआ है। सर, अभी जो लिस्ट आते जा रही है उसमें न्यू एरियाज भी जुड़ते जा रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है? देखिए, अभी जो नए आए हैं वैसे 1-2 केसेस नए जगह से जरूर आए हैं, पर उनका अगर लिंक जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं वो पुराने केसेस से ही मिले हुए लग रहे हैं और नए केसेस अगर देखे जाए तो वो इक्का दुक्का ही आ रहे हैं, तो कम्युनिटी में फैलने का डर तो अभी भी नहीं है। पुराने केसों से लिंक जरूर उनकी मिल रही है और जो हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और WHO के सर्विलेंस हैं इनके साथ बैठकर हमने इनकी लिंक जोड़ने का प्रयास किया है और इनका एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, ये 40 मरीज थे ये ऑलरेडी अपने क्वारंटाइन करके रखे थे या फिर ये सारे नहीं हैं? नहीं, अधिकांश इसमें से क्वारंटाइन किए हुए ही लोग हैं और उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे हैं जो नए हमने अभी पाए थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.